नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंद न्यूज। 5 दिसंबर को हुए भयानक सड़क हादसे में करमडी पंचायत के मोरेनिया गांव के 2 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि आज सिरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने मोरेनिया गांव पहुंचकर मृतक के परिजन डोमन यादव व घूरन चौधरी से मुलाकात की, साथ ही दोनों परिजनों की मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपए का चेक भी दिया। मृतक जितेंद्र चौधरी के पिता घूरन चौधरी बताते हैं कि जितेंद्र उनके इकलौते पुत्र थे, अब घर में भी कमाने वाला कोई नहीं है। मृतक के 2 मासूम बेटी भी है, उसकी एक जवान बहन का ब्याह भी करना है। तो वहीं माँ उषा देवी, पत्नी ममता देवी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मृतक देवराज यादव के पिता डोमन यादव बताते हैं कि देवराज एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, जिसकी एक छोटी बेटी व 5 साल का बेटा है और उसकी पत्नी जिसका नाम सविता है वह विकलांग है। देवराज के जाने से घर को बड़ा आर्थिक चोट आया है। तो वहीं मां सहित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हिंद न्यूज को मंजू अग्रवाल ने बताया कि जितेंद्र चौधरी की बेटी का विवाह वह खुद लग भिड़ कर करेंगी। देखिए पूरी खबर। कहाँ जा रहे थे वो, कब हुआ ये? इलाका में औरंगाबाद आए था, शादी के आए थे, वहाँ से आ रहे थे। हाँ, उधर से लौट के आवे चला। हमारा बच्ची का ननद है, मेरे को बच्ची का शादी के किए दौड़ लगा, समझे कि नहीं, हमारे पहुँचा दिला सब के पुतू के। हाँ, कहे थे कि औरंगाबाद से छोड़ के चले गए, बस निकली के धरा दिया। आने के क्रम में हाँ, आने के कारण घट के साथ जो एक और थे वो कहाँ पे मिले? वो नहीं मिल रहा है, मैं सौ बाजार में मिल रहा था। वहाँ से आने के बाद सौ में मार्केटिंग करने के बाद आ रहे? हाँ हाँ। आपको कब पता लगा कि हमारा घटना लगा? 5 बजे के अंदर लोग कहे कि बाबू के धक्का लगलो, तो हम कहें मुझे धक्का लगा तो हल्का फल्का है। जब पुलिस के भीड़ देख ली तो गांव वाला कॉलेज के लोग पुलिस है बाबू। उनसे क्या मांग करते? आप हम कोची कहे हम अपन जिम्मेद के पर वक्त सर बेटी है वो बाहे के जिंदगी अब ना बेटा है। क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। और बच्ची का? रिया। रिया। हाँ, पढ़े हुए हैं। हाँ, कल बारी में जाते हैं। हाँ, कल बारी में। माँ का नाम बताइए। घर में आओ, कौन कौन है कमाने वाले? कमाने हमारे कौन है? हाँ, चार। इनसे क्या मांगेंगे आप? तो सर जज, हम क्या मानेंगे आपको, अब जो कहेंगे तो वही चीज होना चाहिए। हाँ, यही कहना मजबूरी का रहा है। खेती बाड़ी करते थे, कभी कहीं परदेश जाते थे। हाँ, खेती बाड़ी में आ जाते थे। पान बनाइया खटाइया कर, 2 महीने जाते थे, 2 महीने घर भी देखते थे। वहाँ जाते थे, परदेश जाते थे, 2 महीने 4 महीने रहते थे, फिर आते थे। अब घर द्वार चलाने के लिए कौन? हमारे साथ शेघाटी विधायक का मंजू जी मौजूद हैं। मंजू जी, चूंकि 2 दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में दर्दनाक 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जो यहाँ पे आप मौजूद हैं, देखने आए थे, तो उन लोगों को कमाने वाले भी घर में और कोई नहीं है, तो किस प्रकार से आप सहायता करें? बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। एक तो विकलांग है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और वो भी है जवान लड़का है, दूसरा वो भी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, और मैं जितना भी मतलब हो सकता है मैं उन्हें
पारिवारिक लाभ भी दिलवा रहे हूँ। अभी चेक 20,000 का आ जाएगा और उसके बाद में जो 4,00,000 की है मैं उसके लिए भी वो हम सबको कह दी हूँ। और उप मुखिया भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी मैं बोली कि इन लोगों का जो वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है दोनों बुजुर्ग का वो भी हो जाए ताकि इन लोगों को सुविधा मिल सकेगा। और जो लेडीज है उसकी पत्नी, मैं चाहूँगी कि मैंने कम पढ़ी लिखी है कहीं भी मैं उसको एडजस्ट करा दूँगी, देख लेती हूँ मैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे आंगनबाड़ी कहीं पर भी रसोईया में कहीं पर जहाँ स्थान होता है मैं चेक कर करके उसको लगा देंगे ताकि दो पैसा कमाएगी तो बच्चों का उसका भविष्य अच्छा होगा। और मैं वादा भी की हूँ कि आगे बच्ची दो बच्ची है मैं आपका बच्ची का मैं भी ख्याल रखूँगी और सारे लोग मिल के एक की बहन है हम बोले सारे लोग हम लोग गाँव के मिल के मैं भी मदद करूँगी। शादी ब्याह का सियानी लड़की हमने टेंशन नहीं लेना है, हम लोग साथ मिल के उसको कर लेंगे जी। बहुत बहुत जी, थैंक यू।